नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। मांडा थाना क्षेत्र प्रयागराज में रक्षाबंधन त्योहार पर 12 घंटा बिजली गुल रही। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता व जेई फोन करने पर उठाते नहीं, जिससे उपभोक्ताओं को कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे उपभोक्ता परेशान हो जाते हैं। बिजली गुल होते ही पानी की भी परेशानी लोगों को झेलना पड़ता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से यह दावा किया गया था कि किसी भी त्योहार पर विद्युत व्यवस्था बहाल रहेगी, लेकिन ऐसा 2021 के रक्षाबंधन त्योहार पर हुआ नहीं। मांडा खास भारतगंज व मांडा फीडर से सप्लाई ठप के कारण लोग बिजली और पानी के लिए तरस गए। वहीं दूसरी तरफ अमर उजाला के पत्रकार संदीप मिश्रा द्वारा मांडा बिजली विभाग को कमेंट करते हुए लिखा कि बामपुर फीडर में पूरे दिन विद्युत सप्लाई बाधित रही। देर शाम तक सप्लाई बहाल होने के महज एक घंटे बाद पुनः सप्लाई बाधित हो गई है। रक्षाबंधन त्योहार पर विद्युत विभाग द्वारा इतनी बेहतर विद्युत सेवा आज से पूर्व कभी मिली नहीं थी। इसके लिए विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल उमस भरे बारिश के मौसम व रात्रि में मिट्टी के तेल विहीन इन्वर्टर डिस्चार्ज के बीच क्षेत्रीय जनता जनार्दन जहरीले जंतु से कबड्डी खेलने को मजबूर है। विभागीय कर्मचारी व अधिकारी से आग्रह है सप्लाई बहाल कराने का कष्ट करें। ये आपका नाम क्या है? शंकर लाल। विद्युत व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे विद्युत व्यवस्था रक्षाबंधन त्योहार में बहुत गड़बड़ गई, एकदम सुबह से लाइन अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आई? कितने घंटे लाइन रही, लाइट रही? अरे बस 10-20 मिनट आती है, फिर चली जाती है, दिन भर लाइन रहती है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। गुलाम मोहम्मद, यह बताइए रक्षाबंधन के त्योहार में बिजली व्यवस्था आपके मांडा बाजार में कैसी रही? विद्युत व्यवस्था तो बहुत ही चरमरा गई है। बहुत चरमरा गई, एकदम विद्युत व्यवस्था एकदम धराशाही हो गई है। त्योहार के मौके पे बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए था बिजली का। जी, जो सुबह से लाइट कटी है, अभी तक लाइट नहीं आई। अभी तक सुबह से लाइट कटी, सुबह से लाइट कटी है, आती है चली जाती है। ठीक, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाएं। धन्यवाद।